दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और शहीद संदीप की बेटी गुरमेहर कौर का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा उसे दी गई धमकियों के विरोध में जहां सामाजिक संस्थाएं सामने आई हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी छात्रा के पक्ष में उतर आई है, जहाँ फाजिल्का की आम आदमी पार्टी की ओर से फाजिल्का रेलवे स्टेशन के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जहाँ शहर में रोष प्रकट करते हुए जिला कलेक्टर पहुंचकर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा गया। खून के लाजमी है जी, क्योंकि जुर्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे तो उठाते रहेंगे। सो पंजाब की कुड़ी सी, उन्हें अपनी आवाज उठाई है जी, तो उन्होंने बलात्कार से कतल करने की धमकियां इन्होंने जी ABBP ने दिखाई गई, वो BJP के RSS की संस्था जी है जी, और जोड़े यह स्टूडेंट जो बैंक चला रहे हैं वह जवाकों के मतलब छोटे बच्चों के मनों के एक इस तरह का जहर भर रहे हैं कि जोड़े आने वाले लीडर हो गए वो भी इन्होंने बलात्कारी कतल वर्गिया मतलब संगीन घटनावान के लिप्त हो गए। मतलब गुरमेल कौर इंसाफ आम आदमी पार्टी के जो जो मनपत्र उसी तरह सरकार ने। फाजिल्का से जाट टीवी न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट।